नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा नगर क्षेत्र में तेज गति व नशे की हालत में वाहन चलाने वाले पर अंकुश लगाने के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्र अधिकारी कैंट द्वारा थाना कैंट पुलिस के साथ पैडलेगंज चौराहे पर तेज रफ्तार से आने जाने वाले भारी वाहनों को रोक कर लगातार रात्रि में सघन चेकिंग कराई जा रही है। इस दौरान वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 10 अदद डंपर वाहनों को सीज कराया गया है। इस संबंध में सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी कैंट मानुष पारिक ने बताया कि तेज रफ्तार से चलाए जा रहे डंपर वाहनों से आए दिन सड़क दुर्घटना में लोग घायल हो रहे हैं, जिसको लेकर यह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग तेज रफ्तार से वाहन चलाते पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक सीओ कैंट मानुष पारिक ने कहा, एक हफ्ते से रात्रि चेकिंग के अभियान के अंतर्गत कुछ ओवर स्पीडिंग करते हुए डंपर जो रात में बेलगाम चल रहे थे उन्हें रोक के उनके कागज देखे गए और कागज सही प्राप्त न होने पर उन्हें सीज किया गया। ये निरंतर जारी रहेगा क्योंकि रात को जो डंपर खास करके बड़े ट्रक चलते हैं और ओवर स्पीडिंग करते हुए काफी दुर्घटनाएं सामने आई हैं और काफी जान भी गई इसमें गए हैं एक्सीडेंट्स में। तो कुछ चौराहे हैं जैसे पैडलेगंज हो गया, मोहद्दीपुर हो गया, यहाँ पे अभियान ये चलाया है। रात्रि 10 बजे के बाद में जितने भी वाहन तेज गति से वहाँ पे चल रहे हैं उनको रोक के उनके कागज भी चेक किए जा रहे हैं, उनके नंबर प्लेट्स, कई बार उनके नंबर प्लेट भी सही नहीं मिलती है। तो ऐसे में आवश्यक विधि पर कार्रवाई करते हुए मैसेज किया। गोरखपुर शहर में नए साल के आयोजनों को देखते हुए पुलिस सजग हो गई है। एसपी ट्रैफिक के बिश्नोई व एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद की अगुवाई में शुक्रवार की रात पुलिस ने बैरियर लगाकर चेकिंग शुरू कर दी है। ये अभियान 1 जनवरी की शाम तक चलेगा। एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने बताया कि शुक्रवार की शाम 6 बजे से लेकर देर रात पुलिस ने जगह जगह बैरिकेटिंग करके वाहनों की जांच की। ब्रेथ एनालाइजर से बाइक और कार चालकों का परीक्षण किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने कहा, देखिए 9 वर्ष के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिया गया है कि शराब पीकर लोग कदापि वाहन न चलाएं, इसकी चेकिंग की जाए। उसी निर्देश के क्रम में यातायात पुलिस और थाना पुलिस के साथ मिलकर यह 29 तारीख से जो है 29-30-31 तक एक विशेष अभियान शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ चला रही है, जिसमें रात्रि में जो है कि 7 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक शराब पीकर अगर कोई वाहन चलाते हुए पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ जो है कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 10,000 रुपये का जुर्माना है। अगर कोई शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाया गया उसके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत किया जाएगा। गोरखपुर जिले के पिपराइज थाना की पुलिस टीम ने गैंगस्टर के 4 अभियुक्तों की 9,60,000 की संपत्ति जब्त की। आरोप है कि गैंग बनाकर आरोपी मारपीट, लूट और चोरी को अंजाम देते थे। अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज है। पुलिस के अनुसार पिपराइज के वार्ड नंबर 17 शास्त्री नगर मोहल्ला निवासी सोनू यादव बड़े गाँव के लकड़ू उर्फ गुड्डू, सोन इराइच बड़े गांव के सनी यादव और रिठिया गांव के तेजस्वी के मकान को पुलिस ने जब्त कर लिया है। अभियुक्तों के खिलाफ अलग अलग थानों में चोरी, लूट सहित अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा, गोरखपुर सर के निर्देशन में जो संगठित अपराधियों पर अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत थाना पिपराइज पर गैंगस्टर कायम हुआ था, जिसमें सोनू इत्यादि कई नफर थे। उनमें से 9 की लगभग 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जिलाधिकारी गोरखपुर के आदेश से कल जब्त की गई है और आगे भी। गोरखपुर शहर में नए साल में जश्न मनाने निकलने वाले लोगों को जाम में न जूझना पड़े, इसके लिए डायवर्जन जारी कर दिया गया है। 1 जनवरी की सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक रूट डायवर्जन लागू रहेगा। आपको बता दें कि देवरिया खोराबर और चिड़ियाघर की तरफ जाने वाले चार पहिया वाहन नौकायन की तरफ नहीं जाएंगे। ये वाहन पैडलीगंज के देवरिया बाईपास तिराहा थाना रामगढ़ताल से हनुमान मंदिर तिराहा होकर जाएंगे। देवरिया खोराबर और चिड़ियाघर की ओर से आने वाले चरपहिया वाहन हनुमान मंदिर तिराहा से नौकायन की तरफ नहीं जा सकेंगे। ये वाहन हनुमान मंदिर तिराहा से थाना रामगढ़ताल देवरिया बाईपास तिराहा होकर अपने स्थान पर जाएंगे। पैडलेगंज से नौकायन घूमने जाने वाले चार पहिया वाहन बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह मोड़ से आगे नहीं जाएंगे। चार पहिया वाहनों की बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह मोड़ से डायवर्जन करके बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के सामने व चारों तरफ पार्क किया जाएगा। सर्किट हाउस मोड़ से नौकायन की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। सर्किट हाउस मोड़ से आगे नौकायन की तरफ जाने वाले दो पहिया वाहन सर्किट हाउस के सामने खाली मैदान में खड़े होंगे। पैडलेगंज से नौकायन की तरफ जाने वाले ऑटो, ई रिक्शा,
कमर्शियल वाहन और बसों के जाने पर रोक रहेगी। इन वाहनों को चंपा देवी मोड़ से डाइवर्ट करके चंपा देवी पार्क परिसर में खड़ा कराया जाएगा। सर्किट हाउस पार्किंग एवं बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह पार्किंग के भर जाने पर पैडलगंज से नौकायन की तरफ जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों को चंपा देवी पार्क मोड़ से डाइवर्जन करके पार्क में खड़ा किया जाएगा। हनुमान मंदिर देवरिया बाईपास तिराह से नौकायन घूमने वाले आने वाले चार पहिया दो पहिया वाहनों को ट्रांसफर तिराह से नौकायन की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। ये वाहन ट्रांसफार्मर तिराह से डाइवर्जन करके महादेव विजयनाथ पार्क से खड़े किए जाएंगे। महादेव विजयनाथ पार्क के पास पार्किंग भर जाने पर कोई भी चार पहिया वाहन जेमिनी गार्डनर अपार्टमेंट तिराह से नौकायन की तरफ नहीं आ सकेगा। ये वाहन जेमिनी गार्डनिया अपार्टमेंट तिराह से वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मार्ग पर सड़क के दोनों ओर खड़े किए जाएंगे। साथ ही बरगदवा से आने वाले सभी वाहन जिन्हें मंदिर की ओर नहीं जाना है वे वाहन रोडवेज बस मिनी बस बरगदवा से बाएं मुड़कर नकहा क्रॉसिंग फर्टिलाइजर खजांची होते हुए अपने स्थान पर जाएंगे। गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों के लिए के वाहन औद्योगिक संस्थान रोड रामनगर चौराहा और लेबर तिराहा के बीच सड़क पर खड़े किए जाएंगे। इंडस्ट्रियल एरिया मोड़ से गोरखनाथ मंदिर की तरफ ऑटो रिक्शा ई रिक्शा एवं चार पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। वे वाहन रामनगर तिराहा नकहा ओवरब्रिज होते हुए अपने स्थान पर जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्याम देव बिंद ने कहा, ये देखिए नव वर्ष के दृष्टिगत यातायात पुलिस द्वारा गोरखपुर महानगर में एक विस्तृत रूट डायवर्जन और पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत सबसे पहले 31 जनवरी की रात को जो 10 बजे भारी वाहनों को शहर में प्रवेश 10 बजे के बाद दिया जाता था रात में, उस समय को उस दिन बढ़ा दिया गया और 2 बजे तक जो है कि नो एंट्री लागू रहेगी रात में। 31 जनवरी की रात में 31 और 1 की जो रात है उसमें 2 बजे रात तक नो पार्किंग नो एंट्री लागू रहेगी और 2 बजे के बाद ही भारी वाहन शहर में आ सकेंगे। और इसी तरह से 1 तारीख को जो पब्लिक गैदरिंग के स्थान है जहां पर जो है कि लोग घूमने टहलने निकलेंगे, जैसे हमारा नौकायन एरिया चिड़ियाघर है और गोरखनाथ मंदिर है, यहां पर पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा होगी, इसके लिए भी एक विस्तृत पार्किंग और डाइवर्जन की व्यवस्था की गई है। जैसे जिनको जो है कि देवरिया कोराबार या चिड़ियाघर नौकायन होके जाना है तो उस दिन नौकायन होके नहीं जा सकते हैं, वो उनके लिए जो है कि पैडलीगंज से सीधे अमर उजाला होके तो रामगढ़ ताल थाना के सामने से ही वो कोराबार देवरिया चिड़ियाघर की तरफ जा सकते हैं। उसी तरह से कोराबार देवरिया की तरफ से जो गोरखपुर शहर में आने वाले लोग हैं वो तो नौकायन होके नहीं आ सकते हैं, वो सीधे रामगढ़ ताल थाना होके अमर उजाला होके ही जो है कि शहर में आ सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग नौकायन घूमने जाने वाले लोग हैं, दो पहिया वाहनों वाहन जो है की पार्किंग की व्यवस्था जो है कि सर्किट हाउस के पास की गई है, सर्किट हाउस तक दो पहिया वाहन जा सकते हैं। और फोर व्हीलर से जो लोग जा रहे हैं वो प्रेक्षागृह के पास तक जा सकते हैं, प्रेक्षागृह के पार्किंग की व्यवस्था की गई, उसके आगे नहीं जाएंगे। इसी तरह जो भारी वाहन है अगर बस से लोग आ रहे हैं तो बस चंपा देवी पार्क में ही पार्किंग कराई जाएगी, उससे आगे भारी वाहन नहीं जाएंगे। अन्य जो कमर्शियल वाहन ऑटो ई रिक्शा है वो भी चंपा देवी पार्क के आगे नहीं जाएंगे, चंपा देवी पार्क में ही पार्किंग कराई जाएगी। चिड़ियाघर जो लोग जा रहे हैं अपने वाहन से जा रहे हैं तो उनको चिड़ियाघर की पार्किंग में पार्क कराया जाएगा या वो पार्किंग भर जाने के बाद जो वो सारा स्टेट में पार्किंग कराई जाएगी। इसी तरह से चिड़ियाघर की तरफ से जो लोग नौकायन घूमने आ रहे हैं हनुमान मंदिर तिराहा से आगे आएंगे ट्रांसफार्मर तिराहा के पास दिग्विजयनाथ पार्क में उनकी पार्किंग कराई जाएगी और ये पार्किंग भर जाने के बाद जैमिनिया गार्डन के पास रोड के किनारे ही वाहनों की पार्किंग कराई जाएगी। इसी तरह से गोरखनाथ मंदिर जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको जो है कि उनकी पार्किंग की व्यवस्था रेलवे का जो है आरपीएफ ग्राउंड है वहाँ पर कराई जाएगी और गोरखनाथ ओवरब्रिज के दाहिने तरफ पार्किंग है वहाँ भी पार्किंग कराई जाएगी। जो भारी वाहन जो गोरखनाथ मंदिर की तरफ से शहर में आते हैं, बसें आती हैं रोडवेज की या अन्य कमर्शियल वाहन आते हैं, उनको उस दिन बरगदवा से ही डाइवर्ट किया जाएगा, वो मंदिर की तरफ से नहीं आएंगे, बरगदवा से डाइवर्ट करके ही शहर में आ सकते हैं। इसी तरह से जो ऑटो ई रिक्शा जो है कि शहर में आते हैं जिनको मंदिर नहीं जाना है वो बरगदवा से आगे इंडस्ट्रियल मोड़ से ही मुड़कर जो है कि शहर में आ सकते हैं। बाकी गोरखनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालु गोरखनाथ मंदिर तक ऑटो ई रिक्शा से आ सकते हैं। इसी तरह से लेबर चौराहे तक जो है कि नकहा ओवरब्रिज से जो ऑटो ई रिक्शा से लोग मंदिर आ रहे हैं वो लेबर चौराहे तक आ सकते हैं, लेबर तिराहे तक, लेबर तिराहे के आगे फिर नहीं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब राजनीतिक गर्म हो गई है। जातिगत समीकरण के आधार पर हर कोई चुनाव में अपनी भागीदारी मजबूत करना
चेहरा है। इसी के मद्देनजर सैदवार मल महासभा एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर 11 फरवरी को गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में महासम्मेलन करके मौजूदा वक्त की सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए तैयारी में लगा हुआ है। इसी संबंध में शनिवार को सैदवार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैदवार ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए सैदवार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैदवार ने कहा, देखिए 11 फरवरी 2024 को सैदवार मल महासभा द्वारा एक सैदवार मल भागीदारी संकल्प महारैली की तैयारी बैठक हम लोग कर रहे हैं जो गोरखपुर चंपा देवी पार्क में होना है। उसी को लेकर के हम लोग अपने समाज का एक संगठन बनाने का काम कर रहे हैं, जो संगठन हमारे समाज का पूर्वजों के द्वारा बनाया गया था सैदवार मल महासभा संगठन, उसी के तहत हम लोग संगठन का काम कर रहे हैं। मेरे समाज को आज तक कहीं भी न राजनीतिक रूप से भागीदारी मिल पा रही है, न सामाजिक रूप से उसको न्याय मिल पा रहा है। उसी को लेकर के हम लोग अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, जिससे मेरे समाज को न्याय और राजनीतिक भागीदारी मिले। आज तक आज़ाद देश होने के बाद मेरे समाज का कोई भी आदमी आज मंत्री नहीं है, कोई सांसद नहीं है। आखिर क्या बात है कि मेरे समाज के लोगों को इस तरह से उपेक्षित किया जा रहा है। इसी को लेकर के हम लोग अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। हम लोग अपने समाज को जगा करके कह रहे हैं कि आप लोग अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी तय करिए, अपने अधिकारों को समझिए। जो भी पार्टी मेरे समाज के लोगों को अपनी हिस्सेदारी देगी, उसके साथ मेरा समाज खड़ा और मेरा संगठन खड़ा रहेगा। पार्टी से कोई गुरेज नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे नहीं किसी पार्टी से कोई गुरेज, किसी पार्टी टिकट देगा उसके साथ। आगामी 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, आखिर मेरे समाज के लोगों को क्यों नहीं टिकट दिया जाता है, जबकि सबसे ज्यादा आबादी में मेरा समाज गोरखपुर में बसा हुआ है, लेकिन आज तक मेरे समाज को किसी पार्टी ने नहीं टिकट दिया। तो इस बार हम लोग मांग करते हैं 2024 के चुनाव में जो मेरे समाज के लोगों को टिकट देगा, उसके साथ मेरा समाज खड़ा रहे। टिकट का मांग है आपका? देखिए हम लोग हर लोकसभा में सभी दलों से मांग कर रहे हैं कि जो हमारे समाज के 7-8 सीटें हैं लोकसभा की, उस सभी सीटों पे सभी पार्टियों से हम लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम एक एक टिकट दें। यूपी में कितने परसेंट हैं सैदवार लोग? देखिए सैदवार हमारी आबादी जो पूर्वांचल में है, ये कम से कम 30 से 35 लाख की आबादी।